आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नीट पीजी की काउंसलिंग 12 जनवरी से शुरू। सीएम चन्नी ने प्रियंका गांधी से बात की तो भड़क गई बीजेपी संबंधित पात्र, कहा ऐसा क्यों, जवाब दे गांधी परिवार। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1.5 लाख से ज्यादा नए केस, 237, 27 मरीजों की मौत। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों पर सीएम केजरीवाल बोले घबराने की नहीं है जरूरत, लॉकडाउन पर भी दिया बयान। चुनाव के तारीखों का ऐलान, केजरीवाल बोले देश की राजनीति में बड़ा बदलाव लाएगा 5 राज्यों का चुनाव। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आई नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों पर। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर प्रदेश में अधिसूचना लागू कर दी गई है। इस संबंध में प्रदेश में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यूपी पुलिस की तैयारियों पर विस्तार से जानकारी दी। एडीजी एलओ प्रशांत कुमार के प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानकारी दी गई, जहाँ प्रदेश में 7 चरणों में मतदान आयोजित करने की घोषणा की गई। पहले चरण में 11 जिलों में चुनाव होंगे, जहां उन्होंने कहा कि प्रदेश में 100% बूथों का पुलिस से सत्यापन का कार्य लिया गया है। साथ ही हर थाने में एक रजिस्टर बनवा कर वहां चुनावी संबंधी आने वाले मामलों के दर्ज करने की तैयारी की गई है। आप सबको विदित है कि क्षेत्रफल के हिसाब से उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है और कुल क्षेत्रफल 2,43,284 वर्ग किलोमीटर में प्रदेश फैला है, तथा 2011 की जनगणना के अनुसार से 19.96 करोड़ यहाँ की जनसंख्या है, तथा देश में सबसे बड़ी जनसंख्या का राज्य उत्तर प्रदेश है। कुल विधानसभा क्षेत्र 403 हैं। कुल मतदान केंद्र 92,821 हैं, जो कि 2017 के सापेक्ष में 2.24% की वृद्धि है, तथा कुल मतदेय स्थल 1,74,351 है, जो कि अगर 2017 के सापेक्ष देखें तो 18.45% की वृद्धि है। कमिश्नरेट और जनपदों में स्थापित किए जाने वाले सभी मतदान केंद्रों का 100% भौतिक सत्यापन पुलिस विभाग के द्वारा करा लिया गया है। 5 बूथ और उससे अधिक बूथ से के समस्त मतदान केंद्रों पर कानून व्यवस्था से के संबंध में भीड़ नियंत्रण हेतु आवश्यक तैयारी के संबंध में भी निर्देश दिए गए हैं। विधानसभा निर्वाचन 2022 के दृष्टिगत कमिश्नरी और जनपदों में उपलब्ध पुलिस बल एवं अनुपूरक बलों का आकलन कर पुलिस बल की सूची अधावधिक किए जाने के भी निर्देश पूर्व में दिए जा चुके हैं। संबल में सर्वहित कल्याण मोर्चा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद कासिम ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है। जहां संबल में सर्वहित कल्याण मोर्चा संगठन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय की ओर से सब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। प्रदेश की पद कार्यकरों ने यह निर्णय लिया है कि यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी प्रदेश जनता को संबोधित किया जाए। संस्था की तरफ से उत्तर प्रदेश के सभी जिले और अध्यक्षों की सहमति से आजाद उम्मीदवार खड़े करने का निर्णय लिया गया है, जिससे प्रदेश में सरकार बन सके और दिव्यांग मोर्चा के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद कासिम को दिया गया है। देखिए, प्रेस वार्ता जो आज की गई है वो इसलिए की गई है क्योंकि सरकार ने एक तो हमारी मांगे पूरी नहीं की, दिव्यांगों के लिए, विधवाओं के लिए, 60 सालों के लिए। तो आज हमने प्रेस के माध्यम से सभी जनता को ये जागरूकता करवाएंगे कि हमने 403 प्रत्याशी पूरे उत्तर प्रदेश में निर्दलीय संस्था के माध्यम से उतारे हैं और हम सभी को
क्या नाम है प्रत्याशी उतारे हैं, सभी को हम क्या नाम है लड़ाएंगे और हम खुद मुख्यमंत्री बनेंगे, तो हम रोजगार और क्या नाम है सभी को सारी फैसिलिटीज देंगे। उन्नाव के बांगरमऊ एसडीएम में सराहनीय काम सामने आया है, जहां बांगरमऊ एसडीएम अंकित शुक्ला ने गरीब को उसका हक दिलवाया है। बता दें कि अधिकारी ने दबंग महिला प्रधान भूमाफिया के कब्जे से गरीब की जमीन को खाली करवाया और 3 साल से जमीन पर दबंग महिला प्रधान ने कब्जा कर रखा था और खड़ी सरसों की फसल पर बुलडोजर चलाकर एसडीएम ने जमीन को खाली करवाया है। कोर्ट के आदेश के बाद एसडीएम ने बड़ी कार्रवाई की है। पर एक कोर्ट का ऑर्डर के अनुपालन में हम लोग आए थे, जिसमें जो यहाँ के वर्तमान प्रधान है उनके द्वारा गतिरोध उत्पन्न किया गया। उनको हालांकि इस चार्ज की जानकारी भी दी गई थी कि ये कोर्ट का आदेश है इसमें और आप अपना अनधिकृत जो कब्जा आपने कर रखा है इसको हटा लीजिए, लेकिन उनके द्वारा ऐसा नहीं किया गया। तो उसके संदर्भ में जो भी सुसंगत कार्रवाई आगे होगी वो की जाएगी और अनधिकृत कब्जा जो है उसको हटवाया जा रहा है। खबर उन्नाव से है, जहां एसडीएम ने गरीब को दिलवाया है हक, जहां दबंग महिला प्रधान ने खाली करवाई थी ये जमीन। आपको बताते चले कि कई दिनों से महिला परेशान थी, बांगरमऊ एसडीएम की सराहनीय पहल बांगरमऊ में देखने के लिए मिली है, जहां पर 3 साल से जमीन पर दबंग महिला प्रधान ने कब्जा कर रखा था और खड़ी सरसों की फसल पर बुलडोजर चलाकर एसडीएम ने जमीन को खाली करवाया है, जहां कोर्ट के आदेश के बाद एसडीएम ने बड़ी कार्रवाई की है। से है, जहां ब्लॉक के समीप स्थित पूर्व विधायक इंद्रपाल सिंह की जयंती का आयोजन किया गया। इसी पर उनकी पुत्री पल्लवी पाल की ओर से आधुनिक बेटियों को फाउंडेशन के तहत नेत्र परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान आने वाले नेत्र रोगियों के परीक्षण करते हुए उन्हें दवाई वितरित की गई और उनकी आंखों को चेक करते हुए चश्मे भी भेंट किए गए। पूर्व विधायक की पुत्री व समाजवादी पार्टी की नेत्री पल्लवी पाल ने बताया कि यह आयोजन अपने पिता पूर्व विधायक इंद्रपाल सिंह के 75वें जन्मदिन के अवसर पर आयोजित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब उनके पिता जीवित थे तो उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में कई ऐसे कार्य किए हैं जिनकी वजह से लोग याद करते हैं। आज मेरे पिता पूर्व विधायक श्री इंद्रपाल सिंह पाल जी का 75वां जन्म दिवस है और वो आज हम सबके बीच में नहीं हैं, लेकिन जीवन भर उन्होंने जनसेवा की है, तो उनके इसी उद्देश्य को आगे ले जाने के लिए मैं आज उनके जन्म दिवस पर ये नेत्र शिविर का मैंने आयोजन करवाया है। और इसमें जो डॉक्टर्स हैं वो जवाहरलाल नेहरू रोहतकी चिकित्सालय कानपुर से आए हुए हैं और हमारे शहर के और आसपास के क्षेत्र के लोग आए हुए हैं जिनका नेत्र परीक्षण यहाँ पे चल रहा है। बदायूं के ग्राम बिलहारी में सड़क मामले को लेकर जनता ने नाराजगी जताई। एक तरफ कोरोना महामारी और दूसरी तरफ परेशान जनता करीब 3 महीनों से खराब सड़कों को लेकर गुहार लगा रही है, लेकिन प्रधान ने उनकी बात नहीं सुनी। प्रधान ने बातों को नजरअंदाज करते हुए कोई काम नहीं कराया, जबकि प्रधान खालिद खान ने जानकारी देते हुए अपनी सफाई में कहा कि सड़कों का निर्माण कराया। वहीं कुछ समय पहले एक सड़क का निर्माण कराने को मिट्टी दलवाई थी, तभी अचानक बारिश का मौसम आने की वजह से काम रुकवा दिया गया था। उसी को देखते हुए ग्राम प्रधान ने स्कूल में काम कराना शुरू करा दिया और इसी के देखते हुए गांव के विपक्ष लोगों ने सड़क को लेकर नाराजगी जताई। चलिए सुनाते हैं आपको ग्राम प्रधान ने इस मामले में क्या कुछ कहा। गांव का मामला ये है कि मतलब पिछले 3.5 महीने से इसमें मिट्टी डलवा दी गई है और सेक्रेटरी साहब को और बी डी ओ साहब को सबको हम ज्ञापन दे चुके हैं, उसके बाद भी ये मामला सुना नहीं जा रहा है। पर डे कोई लड़का, कोई छोटा बच्चा, कोई बड़ा इस पर गिरता है। घर में ही हमारे एक बच्चे का साइकिल लगी और एक लेडी की लगी हाथ में, उसके बाद भी ये मामला सुलझाने जा रहा है। हम जो आगे रोड है ये तो स्थिति ऐसा ही रोड था, यहाँ तक अगर आपके पास बजट नहीं था तो यहाँ मिट्टी नहीं डलवानी थी 3.5 महीने पहले से। जब कहो तो कहते हैं कि मतलब ये तो 5 साल ऐसा ही रहना है। गाँव का मामला ये है। प्रदेश के कई इलाकों में हो
रही लगातार बारिश ने लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। फतेहपुर में बारिश से काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। जब बारिश थमने के बाद घरों में गिराने का सिलसिला जारी है। बता दें कि हुसैनगंज तिवारीपुर में एक वृद्धा का मकान अचानक से गिर गया। मकान के गिरने से घर का सारा सामान मलबे में गिर गया है, जहां इसके साथ पीड़ित वृद्धा ने बताया कि आशियाना उखड़ जाने की वजह से काफी ज्यादा नुकसान हो गया है। उनका पूरा परिवार आर्थिक तंगी से गुजर रहा है और पात्र धारक होने के बाद भी उन्हें पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिला। इसके अलावा ये भी पूरा परिवार पन्नी तान कर बाहर रहने को मजबूर हो गया है। क्या आपका घर गिर गया है? क्या गिर गया है? कब गिरा है? अरे यही बारिश में गिरा भैया। अच्छा, बारिश में गिर गया घर? बारिश में गिर गया। अच्छा, तो आपको कॉलोनी नहीं उपलब्ध हुई है? कुछ नहीं। हाँ, वहाँ सुनाई नहीं ना, गरीब आदमी का कहा करे। अच्छा, खाए का जगह बच्चा मार हमें खुद हम यहाँ लिया जगह पानी तरह पड़ी। हाँ, तो और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अमरदीप त्रिपाठी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो अमरदीप, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, क्या है पूरा मामला? जी, मामला ये है कि देखिए कि यहाँ पर जो है तीन दिन से और आज फिर चौथे दिन बारिश चालू हो गई है। बारिश चालू होने के चक्कर पे जो है ये फतेहपुर जनपद में इस समय जो एक बारिश ने भयानक रूप ले रखा हुआ है। इस पर ये हुसैनगंज थाना क्षेत्र के तिवारीपुर गांव का एक मामला है, जहां पर जो है बारिश होने के बाद अब घर गिरने का सिलसिला चालू हो गया है। उसी के दरमियान जो है ये मकान गिरा है और ये खातून बानो नाम की जो वृद्धा है ये इस समय जीवन अपना जो है पन्नी तान कर गुजार रही है। और उनको उन्होंने अपनी बातचीत के दौरान ये भी बताया है कि पीएम आवास के हम लिए जो है कहते कि अप्लाई किए थे पर कोई हमें उसमें सुविधा नहीं मिल पा रही है। जी मैम। जी अमरदीप, जिस तरीके से अभी यहाँ पर घर अचानक से गिरा है, क्या किसी के हताहत होने की जानकारी भी मिल रही है? देखिए, ऐसा है कि मकान तो गिरा है पर मकान गिरने के साथ में कोई हताहत तो नहीं हुआ है। पर हाँ, जो एक गरीबी का जो जीवन जी रही थी वृद्धा, उसके परिवार का जितना भी जो राशन खाद्यान्न पानी जो भी था वो सब पूरी तरीके से दबकर मलबे में नष्ट हो गया है। जी अमरदीप, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि ये पीएम आवास योजना के दावेदार भी हैं, तो इसके बाद जब घर गिरा है, क्या इसके बाद उन्होंने कहीं अपनी इस बात की गुहार लगाई है? देखिए, ऐसा है कि ये पीएम आवास की अगर हम बात करें तो ये फतेहपुर जनपद में क्या अगर देखा जाए तो हर गाँव हर शहर की स्थितियाँ है जो पीएम आवास के लिए जो जिन लोगों ने अप्लाई किया है। पर ये जो एक दावे किए जा रहे थे सरकार द्वारा कि हमने इतने लोगों को आवास दिए हैं, पर कहीं ना कहीं कोई ऐसा जो है प्रशासनिक तंत्र गड़बड़ी कर रहा है जिसके चलते जो पात्र धारक हैं उनको आवास नहीं मिल पा रहा है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया अमरदीप हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। सहारनपुर के थाना कुतुबेश्वर इलाके में दबंगों ने एक युवक को चाकू से गोदकर मौत के घाट उतार दिया। इस सनसनीखेज हत्याकांड से पूरे मोहल्ले में दहशत फैल गई है। मृतक के परिजनों के अनुसार बदमाशों ने पैसा लेकर ही रंगदारी वसूलने के नाकाम होने पर उसे मौत के घाट उतार दिया। वहीं पीड़ित परिजनों के साथ स्थानीय लोगों ने भारी वर्षा के बावजूद थाने पहुंचकर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए विरोध जताया। वहीं एसपी सिटी राजेश कुमार का कहना है कि खुलासा करते हुए कहा कि हत्यारे और मृतक आपस में दोस्त थे, पैसे की मांग को लेकर हत्या का अंजाम दिया गया, जिसके बाद से ही तीनों आरोपी फरार है, जिनकी जल्द गिरफ्तारी की बात कही जा रही है। कुतुब क्षेत्र में बीती रात एक हत्या का मामला आया है। इसमें चार साथी थे, दोस्त थे आपस में। इनमें कुछ किसी बात को लेकर आपस में कहा सुनी हुई। तीन दोस्तों ने अपने एक दोस्त को चाकू मार दिया, जिसमें वो घायल अवस्था में अस्पताल गया। अस्पताल में उसकी फिर मृत्यु हो गई। इसमें मुकदमा उसके तीन साथियों के विरुद्ध हत्या का पंजीकृत किया जा रहा है और उनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। सहारनपुर से है, जहां दबंगों ने युवक को मौत के घाट उतारा है, जहां रंगदारी वसूलने की कोशिश में हत्या की गई है। वहीं जब पुलिस डिपार्टमेंट से बात की गई तो उन्होंने कहा कि ये दोनों दोस्त थे, जहां पैसा न देने के कारण ये हत्या की गई है। वहीं एसपी सिटी राजेश कुमार ने कहा, खुलासा करते हुए कहा कि हत्यारे और मृतक आपस में दोस्त थे और पैसा मांग को लेकर हत्या को अंजाम दिया था, जिसके बाद से तीनों आरोपी फरार हैं और जिनकी जल्द गिरफ्तारी की बात कही जा रही है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सोहेल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो क्या सोहेल, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, किस तरीके की घटना
को अंजाम दिया गया है। देखिए श्वेता, मैं आपको बता दूं, ये कल देर रात का मामला है जिसमें जो है दो तरह के मामले निकल के प्रकाश में आ रहे हैं, जिसमें घरवालों का आरोप है कि युवक से जो है रंगदारी की मांग की जा रही थी, पैसे की डिमांड की जा रही थी, और जब पैसा नहीं दिया गया तो ये दबंग प्रवृत्ति के तीन युवकों ने जो है सिराज को मौत के घाट उतार दिया, निर्मम हत्या उसकी कर दी। लेकिन एक चोरी जो है पुलिस की भी सामने निकल के आ रही है, जो एसपी सिटी जो है राजेश कुमार, हमारी उनसे सहारनपुर में बात हुई तो उन्होंने बताया था कि ये चारों ही जो है आपस में परिचित थे, दोस्त थे, पैसे का विवाद हुआ, पैसे के विवाद के होने के चलते जो है तीन युवकों ने अपने ही दोस्त की जो है हत्या कर दी और उसके बाद फरार हो गए। तो अभी तो जांच का विषय है, पोस्टमार्टम हो चुका है, जांच का विषय है, जांच पुलिस में जो है पुलिस की जांच में मामला स्पष्ट हो पाएगा कि दोनों थ्योरी में से कौन सी थ्योरी सही है। जी श्वेता, जिस तरीके से बोला जा रहा है कि चारों लोग दोस्त थे, उसके बाद किस तरीके की रंगदारी की बात की जा रही थी? देखिए, हम आपको बता दें कि जो परिवार जनों ने अपनी तहरीर दी है, जो पुलिस को एक तहरीर दी है, उस पुलिस की तहरीर के अंदर जो है उन्होंने ये स्पष्ट आरोप तीनों युवकों पे लगाया है कि तीनों युवक जो है ढोलीखाल मोहल्ला है शानपुर कुतुबशेर इलाके का, इसके कुछ दबंग प्रवृत्ति के जो है युवक थे और वो जो है इस लड़के से पैसों की डिमांड कर रहे थे, पैसों की मांग कर रहे थे, और पैसे ना देने के कारण उस युवक को जो है युवकों ने हत्या को अंजाम दे दिया। लेकिन थ्योरी पुलिस की कुछ इससे हटके नजर आ रही है, ये जांच का विषय है, जांच होगी तो स्पष्ट हो पाएगा ये दोनों थ्योरी में से कौन सी थ्योरी सही है। जी श्वेता जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। रायबरेली के डलमऊ थाना प्रभारी सहित अन्य पुलिसकर्मियों पर बड़ा आरोप लगा है। बीते 2 दिसंबर को पुलिस ने एक कुंतल गांजा के साथ 4 लोगों को जेल भेज दिया था। ट्रक में लदे गांजे को लेकर बताया गया कि इसी पर परिजनों ने आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस 1 दिसंबर को ट्रक और युवक को सुल्तानपुर से अपहृत कर लाई थी, जहाँ ट्रक और पुलिस की जीप का CCTV फुटेज भी है। डलमऊ पुलिस ने सुल्तानपुर से गांजे को बरामद किया गया है। इस पर कहा जा रहा है कि स्थानीय थाने पर मुकदमा दर्ज क्यों नहीं कराया जा रहा। इस पूरे मामले में डलमऊ पुलिस की कार्यशैली पर परिजनों ने राज्यपाल से लेकर पुलिस अधीक्षक तक निष्पक्ष जांच की मांग की है। ये हमारे मुवक्किल द्वारा पेशी की जा रही है, उसका ये कहना है कि उसके भाई को फर्जी मुकदमे में फंसाया गया है। जो एविडेंस आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं उससे तो प्रथम दृष्टया लगता है कि वास्तव में इसके भाई को गलत फंसाया गया है। हमारी जिला प्रशासन से मांग है कि इस पर कार्रवाई करे और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत हो और इसको न्याय मिले, इसके भाई को निर्दोष साबित किया जाए। लेटर के माध्यम से, RHT के माध्यम से हमने उसको भेज दिया था, उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए हम आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि हमें न्याय दिलाया जाए। सुल्तानपुर से आया है, वो दिखाया कहाँ से गया? दिखाया सर, ये बता रहे हैं, दिखाए हैं कि हम फतेहपुर से गाड़ी आते हुए हमने गश्त में पकड़ा है सुबह 3 बजे। जो दोषी पुलिस है उसमें क्या कार्रवाई चाहते हैं? अब उचित कार्रवाई होगी सर, निर्दोष को निर्दोष किया जाए सर, फंसाया झूठा आरोप काहे लगाया, झूठा आरोप फंसाया जा रहा है। रायबरेली में शिवगढ़ थाना क्षेत्र के 2 गांवों में बेखौफ चोरों ने 5 घरों समेत ज्वेलरी शॉप और मोबाइल शॉप का निशाना बनाया। चोरों ने 80,000 नकदी समेत लाखों के जेवरात और कीमती सामान को चोरी की है। चोरी की वारदात से क्षेत्र में दहशत का माहौल है, जहां गौरतलब है कि रात शिवगढ़ थाना क्षेत्र के बैती बाजार में घर के पीछे से छत के रास्ते राम नरेश गौतम के यहाँ दाखिल हुए। चोरी की वारदात को अंजाम देने के बाद 2 चोर छत से रास्ते अनिता साहू के घर में दाखिल हो गए हैं। अभी सुबह जब उठी हमारे भाई तो शटर खोला तो यहाँ देखा पूरा बक्सा खुला उलझा हुआ पड़ा था, उसमें सब जितनी सामान थी सब इधर बिखरी पड़ी थी। लोटा, क्या 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 चोरी हुआ है? लोटा और थाली 2-3 थे उसमें, और कुछ पैसे डिब्बे में रखी हुई थी। कितने पैसे थे हम जानकारी में नहीं, वाइफ बता रही थी पैसे भी लेके गए। मैं 10 अंगूठी ले गया, 2 जंजीर ले गए और 10 जोड़ी पाल ले गया, कम से कम 2.5 से 3.5 लाख का। 2.5 से 3.5 लाख नकदी कितना गया है? नगद पैसा? नगद नहीं, केवल जेवरात गए सोने और चांदी के। नकदी चोरी हुआ है 80,000 रुपए करीब, और एक मोबाइल चोरी हो गया, 5-6,000 रुपए कपड़े चोरी हुए हैं। जो 80,000 रुपए एक ही जगह रखा था, अलग अलग रखा था? 40,000 एक जगह रखा हुआ, तो 40,000 एक जगह रखा हुआ, तो वो तो 40,000 बाद में पता चला कि 40,000 वो भी गायब है मेरा। और ज्वेलरी आपकी 10,000 की आर्टिफिशियल ज्वेलरी गायब हो गई है। जी,
गोरखपुर के जिलाधिकारी विजय किरण आनंद सभी पार्टी के नेताओं और मीडिया कर्मियों के साथ बैठक कर निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश का पालन करने की अपील लोगों से की। उन्होंने कहा कि अगर किसी ने भी निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशन का पालन नहीं किया तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने के साथ ही आगे उन्हें किसी भी रैली का कैंपेन की इजाजत नहीं दी जाएगी। उन्होंने बताया कि निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश आ चुके हैं जहां लोगों से अपील की जा रही है कि इसका पालन करें। जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने जिला कलेक्ट्रेट सभागार में सभी पार्टी के नेताओं और मीडिया कर्मियों के साथ बैठक की। इस दौरान जिलाधिकारी ने सभी लोगों से अपील करते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश आ चुका है। के क्रम में जो चुनाव की घोषणा हुई है और आचार संहिता का की घोषणा हुई है उसी के क्रम में पॉलिटिकल पार्टीज के साथ और सभी मीडिया के बंदों के साथ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आचार संहिता के विभिन्न पहलुओं के बारे में माननीय आयोग के निर्देशों के क्रम सभी को सूचित किया जा रहा है, अवगत कराया जा रहा है और सारे दस्तावेज और निर्देशों को अवगत कराया जा रहा है ताकि एक शांतिपूर्ण निष्पक्ष स्वतंत्र चुनाव कराने में हम कामयाब हो सकें और सभी की सहभागिता प्रतिभाग सुनिश्चित की जा सके। विशेष रूप से बल इस बार ये है कि मतदाताओं के सुरक्षा और उनके कोविड प्रोटोकॉल के लिए सारी सावधानियां बरतते हुए चुनाव कराया जा रहा है। माननीय आयोग द्वारा विस्तृत निर्देश कोविड प्रोटोकॉल के संबंध में और कोविड के संक्रमण के दौरान चुनाव संपन्न कराने के लिए और सारी गतिविधियां कराने के लिए निर्देशित किया गया है, उसके बारे में सभी को अवगत कराया गया है। हाथरस के हसायन कस्बे में नगर पंचायत के द्वारा अभी तक अलाव नहीं जलाए गए जबकि बारिश के कारण मौसम का मिजाज बदल गया है और ठंड काफी बढ़ गई है जहां लोग अपने अपने वैकल्पिक साधनों के आग जलाकर ठंड को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं जबकि कस्बे के लोगों द्वारा लगातार नगर पंचायत से कस्बे में जगह जगह अलाव जलाने की मांग की जा रही है लेकिन नगर पंचायत के जिम्मेदार कुंभकर्णी नींद सो रहे हैं और उन्हें बढ़ती हुई ठंड का असर दिखाई नहीं दे रहा। वहीं स्थानीय बुजुर्ग ग्रामीण ने बताया कि न तो तहसील की तरफ से अलाव जलाने के लिए अब की बार बाग लकड़ी नहीं आई ना ही नगर पंचायत द्वारा कोई भी व्यवस्था की गई। आखिर इस कड़ाके की ठंड में कैसे सर्दी से बचा जाए? ठंड बहुत बिकट पड़ रही है और इसके लिए आदमी ठिठुर के डोल रहा है, बहुत परेशान है आदमी। इसके लिए नगर पंचायत द्वारा कोई व्यवस्था की जा रही है? पंचायत द्वारा यहाँ तक कोई नहीं आया ना कोई व्यवस्था की है अलाव अलाव जला दे, कोई व्यवस्था नहीं है। खबर फिरोजाबाद से है जहां भारी ओलावृष्टि के विरोध में मुआवजा लेने के लिए क्षेत्रीय किसानों ने जलेसर फिरोजाबाद में डेढ़ घंटे जाम लगा दिया। जाम की सूचना पर उपजिलाधिकारी, क्षेत्राधिकारी और तहसील की टीमें मौके पर पहुंची। बाद में तहसील प्रशासन ने गांव में जाकर अपना कार्य शुरू कर दिया। वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष हर्षिता सिंह ने संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करते हुए जिलाधिकारी सहित अन्य अधिकारियों से भी मुआवजे की बात की है। किसानों ने जानकारी देते हुए कहा कि लगातार हो रही बारिश की वजह से फसलों को काफी नुकसान हुआ है। बारिश और ओलावृष्टि में आलू व मिर्च की फसल में भारी नुकसान हुआ है। किसानों को भारी नुकसान होने से प्रशासन से मदद की गुहार लगाई जा रही है। कल रात में जो कुदरत का कहर बरपा है हमारे जनपद में, खासकर नारजी क्षेत्र में जो ओलावृष्टि हुई है उससे काफ़ी नुकसान हुआ है किसानों को, चाहे वो मिर्च की फसल रही हो, आलू की फसल हो, सरसों हो, सारी फसलों को बहुत गंभीर नुकसान हुआ है। उसी के दृष्टिगत हमने रात में जिलाधिकारी महोदय से बात की थी और आज सुबह से ही सर्वे हमने हर गाँव में टीमें जा रही हैं, SDM साहब जा रहे हैं, तहसीलदार साहब जाएंगे, हर गांव में सर्वे किया जाएगा। जिन जिन किसानों का नुकसान हुआ है उनकी भरपाई सरकार करने का प्रयास करेगी और हमारा ये कहना है जल्द से जल्द जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हम लोग कराने का प्रयास करें। फतेहपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है जहां सदर कोतवाली और क्राइम ब्रांच की टीम ने मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने साफ एनकाउंटर किया जिसके इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस की दो शातिर बदमाशों से मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में दोनों बदमाश घायल हो गए और अंधेरे का फायदा उठाकर एक साथी मौके से फरार हो गया तो वहीं शातिर अभियुक्तों के पास से विदेशी मुद्रा बरामद की गई। चोरी किए गए अवैध तमंचा, मोटरसाइकिल और कारतूस के साथ नकब जनी और लाखों के जेवरात भी बरामद हुए। बीती रात कोतवाली पुलिस और एसओजी की टीम से राधानगर क्षेत्र में बदमाशों से मुठभेड़ हुई है जिसमें राम सजीवन और जयकरण सोनकर नामक बदमाशों के पैर में गोली लगी है। इनको इलाज हेतु अस्पताल भेजा गया और इनसे ढेर सारे
नकबजनी के उपकरण और चोरी किया हुआ सामान, 100 रियाल के 10 नोट, 5000 रुपया नगद, सोने चांदी की ढेर सारी वस्तुएं, मोटरसाइकिल, तमंचा, अद्धा कारतूस आज बरामद हुआ है। शातिर अपराधी हैं, इन पे दर्जनों मुकदमे हैं। एक साथी इनका भीम सिंह अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार हो गया, उस पर भी दर्जनों मुकदमे हैं, उसको भी हम से गिरफ्तार करेंगे। एक बहुत ही उत्कृष्ट कार्य है ये, और इस पूरी टीम को मेरे द्वारा 25,000 रुपये का इनाम भी दिया जा रहा है, और शेष जो अपराधी भागा हुआ है उसको भी हम से गिरफ्तार करेंगे। इस पूरी गैंग के खिलाफ हम गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई भी करेंगे। फतेहपुर में आकाशीय बिजली गिरने से घर में धमाका हुआ, जहां आकाशीय बिजली गिरने की वजह से सारा सामान फूंक गया। धमाके की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर इकट्ठा हो गए, जहां आकाशीय बिजली गिरने से घर का सारा सामान जल गया। पूरे परिवार को काफी ज्यादा नुकसान हुआ, गनीमत रही कि परिवार के लोगों को कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। फिलहाल परिवार मदद की गुहार लगा रहा है। फरीदाबाद के सिविल अस्पताल की पुरानी रेड क्रॉस बिल्डिंग की छत पर भीषण आग लग गई, जहां आग लगने के कारण छत पर पड़ी बिजली की तारों में शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। वहीं घटना की जानकारी पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंचने से पहले मेन लाइट काट कर आग पर काबू पाया गया। फिलहाल इस मामले में जो माल का नुकसान हुआ नहीं होने की बात सामने आई है। उत्तर प्रदेश के अब तक की खबरों में फिलहाल बस इतना ही, और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।